हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास फोर साइंस चैप्टर नंबर सिक्स एयर एंड वेदर। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। और स्टूडेंट, डू यू नो कि जब डिफरेंस जो है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होता है, हॉट एंड कोल्ड एयर का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतनी तेज क्या होगी, विंड की स्पीड होगी। याद रखना, कोल्ड एयर एंड हॉट एयर के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी किसकी, विंड की। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी कि कोस्टल एरिया में जो होता है लगभग, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मैंने बताया था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती रहती है, तो पूरे साल भर जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, एक जैसा रहता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो था, अब आपको ये भी पता है कि ऐसे हॉट जो एयर बहती है डेजर्ट में उसको हम क्या कहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं जब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म गर्म हवा बहती है तो उसको हम कहते हैं लू। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या है, वी नो ऑन हीटिंग वाटर इज चेंज इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। व्हेन वाटर वेपराइजेशन एट नॉर्मल टेम्परेचर वी कॉल्ड इट इवोपरेशन। आपको अच्छे से पता है कि जब वाटर को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें, वेपर्स में, और ये प्रोसेस कहलाता है वेपराइजेशन। अब जब क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही वाटर क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, वेपर्स बन जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। और इवोपरेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, लगातार होने वाला प्रोसेस है। वाटर वेपराइज ऑलमोस्ट ऑल द टेम्परेचर्स, heat of sun also causes vaporization. We know that due to the heat of sun, water on the land surface goes on changing into water vapor slowly and steadily. अब होता क्या है, अर्थ का जो सरफेस में वाटर है वो क्या होता है, सन लाइट की वजह से, सन की लाइट और हीट की वजह से स्पेशली, वो क्या होता रहता है, लगातार वेपर्स बनता रहता है। ये प्रोसेस है इवोपरेशन, वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज होता रहता है धीरे धीरे, लेकिन लगातार होता रहता है प्रोसेस। इन द समर सीजन द पॉन्ड ड्राई अप ड्यू टू द हॉट सन रेज, इट हैपन बिकॉज इन समर स्पीड ऑफ वेपराइजेशन बिकम फास्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब ये वेपराइजेशन जो है, या कह सकते हैं इवोपरेशन प्रोसेस जो है, ये जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ज्यादा होता है और जब कम गर्मी पड़ती है तो कम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में पॉन्ड का जो वाटर है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कारण क्या है इसका, कि वो हीट ज्यादा पड़ रही है, जो सन की हीट आ रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो जल्दी क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। और स्टूडेंट आपको पता है कि उसी पॉन्ड के चारों तरफ बहुत सारे हम पेड़ लगा दें तो क्या होगा, ज्यादा हीट नहीं पड़ेगी उस पे तो वो जल्दी से पॉन्ड जो है नहीं सूखेगा। बीइंग लाइट इन वेट द वाटर वेपर गो अपवर्ड मिक्स विद द एयर प्रेजेंट देयर एंड मेक द एयर डैम। वाटर वेपर मिक्सिंग विद एयर इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम द क्लाउड्स। व्हेन द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स आर कूल्ड दे बिकम वाटर अगेन and start falling on the land in the form of rain, dew, fog, hailstone and or also the condensed form of water vapor. अब होता क्या है, वाटर जो है वेपर्स बन के उड़ रहा है। अब वेपर जो है वो क्या है, लाइट है, हल्की है, तो वो उड़ जाती है, जाके एटमोसफेयर में चली जाती है, वहां जाके वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है और वहां इकट्ठी होने लगती हैं, फिर और इस तरीके से वेपर्स आके इकट्ठी होती चली जाती हैं और इस तरीके से वो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। वो वेपर्स कैसी है, उसमें नमी है, गीली गीली वेपर्स वहां पर इकट्ठी हो रखी है, उसमें क्या है, डैम्प है, वो कुछ गीली वेपर्स है, इकट्ठी होती चली जाती है। और जब वो वेपर्स जो है वाटर वेपर्स क्या हो जाती है, क्लाउड बन जाती है,
इकट्ठी रहती है, और जब वो ठंडी होना शुरू कर देती है तो वो वापस से क्या बन जाती है, वो पानी में चेंज हो जाती है और नीचे धरती में वापस आ जाती है। किस फॉर्म में? कभी तो वो पानी के रूप में, रेन के रूप में हमें दिखती है, आ जाती है वापस। कभी कभी हेल स्ट्रॉम, ओले पड़ते हैं, उनके रूप में आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, वो फोग, जो है आपने फोग देखा होगा ना, कोहरा जिसको बोलते हैं, उस रूप में आ जाती है। कभी हमें ड्यू के रूप में, जब सुबह सुबह आप उठते हो तो क्या देखते हो, ओस की बूंदे होती है, उस रूप में वो वापस धरती पे आ जाती है। और ये क्या है, वाटर वेपर की कंडेंस फॉर्म होती है। और कभी कभी तो स्नो के रूप में भी क्या होती है, वो अर्थ पे गिरने लगती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंडेंसेशन, पहले तो इवोपरेशन प्रोसेस से क्या हुआ, वो हवा में गई, इकट्ठी हुई, जैसे वो कूल डाउन हुई वो वापस से पानी के रूप में धरती पे आ गई। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन, अब इवोपरेशन कितनी जल्दी हो रहा है, कौन क्या फैक्टर्स हैं, किस पे वो निर्भर करता है कि कितनी तेजी से इवोपरेशन हो। मैनी एक्टिविटी ऑकरिंग इन द एटमोसफेयर अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। इन सम कंडीशन वाटर वेपर्स vaporize quickly, while in some other its speed become too less. अब कभी कभी तो पानी जो जाता है बहुत जल्दी evaporate हो जाता है, और कभी कभी बहुत time लगाता है। अब क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, कौन से factor हैं जो affect करता है rate of evaporation? तो number one factor is wind. Speed of wind affect the rate of evaporation. Flowing air absorb water easily. जितनी ज्यादा स्पीड होगी हवा की, विंड की, ठीक है, उतनी ही तेजी से क्या होगा, इवोपरेशन होगा, पानी वेपर बनकर उड़ जाएगा। अब हम एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में किया हुआ है, उसको देख लेते हैं। पुट योर टू शर्ट्स इन वॉटर एंड मेक दम वेट। नाउ हैंग वन ऑफ दम इन द रूम और विच इज A fan is run, in which a fan is running, hang the other shirt in a room having no fan. After some time, you will see that shirt hanging on the room in the front of fan become dry. अब हमने कहा कि evaporation जो है, rate of evaporation को affect करने वाला first factor है wind. इसके लिए एक experiment किया कि आपने अपनी दो shirt ली, उनको गीला किया, एक शर्ट को एक रूम में टांग दिया, वहां पंखा चला दिया, दूसरे शर्ट को दूसरे रूम में टांग दिया बिना पंखा चलाए, और फिर आप क्या देखोगे, आपने 3 घंटे 4 घंटे बाद उसको देखा तो जो शर्ट जहां पंखा चल रहा था वो शर्ट क्या हुई, सूख गई, मीन्स उसका पानी क्या हो गया, सारा इवोपरेट हो गया, ठीक है ना। जबकि जहां पंखा नहीं चल रहा था वो अभी भी हल्की सी गीली है, सारा पानी इवोपरेट नहीं हो पाया। इससे पता चलता है कि स्पीड जो विंड की है वो इवोपरेशन के रेट को प्रभावित करती है, कि इवोपरेशन कितनी तेजी से होता है और कितने स्लो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ विंड पर। ड्राई एयर, द क्लोथ्स वॉश एंड हैंग इन अ सनलाइट इन समर ड्राई अप क्विकली देन दैट इन अदर सीजन। It happens due to dryness of the air. In rainy season and other season, the air being wet absorbs the water slowly, so the clothes also dry up slowly. अब दूसरा factor है, जितनी air dry होगी, मतलब सूखी हवा होगी, उतनी तेजी से क्या होगा, evaporation होगा। आप दो shirt ले लीजिए, आपने कपड़े देखे हैं, सर्दियों गर्मियों में कपड़े हम लोग धूप में सुखाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि dry कैसी चल रही है, ड्राई एयर चल रही है तो इजीली सूख जाते हैं। और अगर हम वही कपड़े जो हैं बरसात में सुखाते हैं तो क्या होता है, उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एयर जो है वो क्या है, वेट हो चुकी है, उसमें कुछ नमी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एयर की जो एयर की ड्राइनेस भी क्या होती है, डिपेंड करती है, अफेक्ट करती है रेट ऑफ इवोपरेशन को। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा क्या होगा, जल्दी इवोपरेशन होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना
धीरे वो ऑपरेशन होगा और इसका तो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। टेक टू डिशेस ऑफ सिमिलर साइज एंड फिल देम विद अ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। पुट वन ऑफ दिस टू डिशेस इन द सनलाइट एंड अदर वन इन शैडो। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट डिश व्हिच वाज पुट इन सनलाइट कंटेन लेस वाटर देन द अदर डिश। अब दो बर्तन ले लीजिए, दोनों में पानी भर दीजिए, एक को तेज धूप में रख दो और एक को छाया में रख दो। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जहां धूप ज्यादा है, जहां क्या है गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इट मींस टेम्परेचर ज्यादा है, वो बर्तन जो है उसका पानी जल्दी सूख गया, उस डिश का पानी जल्दी सूख गया, और जहां पर क्या है छाया में रखा हुआ है, हीट कम पड़ रही है, मींस टेम्परेचर कम है, उसका पानी देर से सूखता है। नेक्स्ट इज सो व्हेन द सरफेस एरिया, जनरली द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन ऑकर ऑन द वाटर सरफेस, सो व्हेन द वाटर सरफेस इज ब्रॉड द वेपराइजेशन बिकम स्पीडी। नेक्स्ट है वाटर सरफेस, सरफेस एरिया, जिस चीज का भी सरफेस एरिया जो होगा ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो चीज इवोपरेशन भी स्पीडली होगा। एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, टेक अ ग्लास एंड अ डिश एंड फिल द फिल अप विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। नाउ पुट वन ऑफ देम इन अ सनलाइट फॉर एन आवर एंड वन आवर। नोट द क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग वाटर इन बोथ द पॉट, यू विल फाइंड द डिश कंटेन लेस वाटर देन द ग्लास। इट हैपन बिकॉज द वेपराइजेशन बिकम फास्ट व्हेन द वाटर सरफेस इज ब्रॉड एंड ओपन। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे रहे हैं, क्या बोल रहा है कि एक ग्लास ले लो, एक ग्लास पानी का भर दो, और उतना ही एक ग्लास पानी किसी डिश में, एक प्लेट टाइप की डिश में रख दिया, दोनों को धूप में रख दिया, एक घंटे बाद वापस से देखो तो ग्लास वाले पानी को मेजर करो कितना है, और जो आपने किस में रखा था, डिश में रखा था, प्लेट में रखा था, उस पानी को मेजर करो, तो आपको क्या पता लगेगा, जो प्लेट वाला पानी है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो इवोपरेट हो गया तेजी के साथ, वो ज्यादा तेजी के साथ इवोपरेट हुआ और इसलिए वो कम हो गया। अब एक और एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं, आपने कभी अपनी मामा को साड़ी सुखाते हुए देखा है, जब अगर हम साड़ी को तय करके और सुखाने, गीली साड़ी को सुखाने रखते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, और यदि हम उसको क्या करें, उसके सरफेस एरिया को एक्सपेंड कर दें, उसको फैला के सुखाएं, ठीक है, बिल्कुल पूरी खोल के सुखाएं, तो वो जल्दी सूख जाती है। तो इससे पता चलता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना इवोपरेशन स्पीडली होता है। अब हम इन सब चीजों से हमें क्या पता चला, नाउ लेट अस नो सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या पता चला, इन समर सीजन ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज अप इन द एटमॉस्फेयर। अब समर सीजन में क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वाटर जल्दी से इवोपरेट हो जाता है और जाकर जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और विंटर में इसका उल्टा होता है। इन विंटर सीजन वाटर वेपराइजेशन मिक्स इन द एटमॉस्फेयर एयर चेंज इनटू वाटर अगेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और सर्दी में क्या होता है, वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ठंडा हो रहा है वो वाटर जो ऊपर जाके इकट्ठा हो गया था, और इसलिए वो वापस से वाटर में चेंज हो जाता है। अब व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, लेट अस नो अबाउट द फॉर्म इन विच द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑकर। अब कंडेंसेशन क्या होता है, सुनिएगा, चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर अगेन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वापस से चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, और ये कैसे चेंज होगा वाटर वेपर वाटर में, बाय कूलिंग, ठंडा करने पे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, आपने को मैंने बताया था कि वाटर वापस से क्या होता है, ठंडा होके नीचे आ जाता है धरती में, कभी ड्यू के फॉर्म में, फोग के फॉर्म में, तो वो क्या होता है और कैसे बनता है, तो फर्स्ट वन इज ड्यू। ड्यू किसको बोलते हैं, ओस को। सुबह सुबह आपने कई बार देखा होगा, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा होता है कि छोटी छोटी बूंदे जो है पेड़ों के पत्तों पे इकट्ठी रहती हैं, वो होती है ड्यू। वाटर वेपर कंडेंस व्हेन दे बिकम इन द कॉन्टेक्ट विद सम कोल्ड ऑब्जेक्ट। इन विंटर वी सी सम वाटर, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑन द प्लांट्स लीव इन द मॉर्निंग, दिस इज कॉल्ड ड्यू।
In winter at night the air become too cold and being heavy comes down. अब क्या होता है जब पानी कंडेंस हो रहा होता है और किसी के कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है. किसी भी ठंडे चीज के कांटेक्ट में आता है तो किस में वेपर जो है किसी भी ठंडे चीज के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या बन जाती है, वापस से पानी बन जाती है. और ऐसा कब होता है, सर्दियों में होता है कि वाटर वेपर्स जो है वो क्या हो गई, आंखें और पौधों के जो पत्तियां वगैरह बहुत ठंडी रहती है, आंखें वाटर वेपर उनसे टकराती है तो वो किस में बदल जाती है, पानी की बूंद में चेंज हो जाती है और इसी को हम कहते हैं ड्यू. इन विंटर एट नाइट द एयर बिकम टू मच कोल्ड एंड बीइंग हैवी कम्स डाउनवर्ड. इन द नाइट द ऑब्जेक्ट नियरिंग द लैंड आल्सो बिकम कोल्ड. व्हेन द हैवी एंड कोल्ड एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ऑब्जेक्ट सच एज ग्रास फ्लावर एंड लीव्स द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस एंड टेक द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. This droplet freeze on the grass, flower and leaves of the plant in a form of dew. अब सर्दियों की जब नाइट होती है तो क्या होता है, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है. जब वाटर वेपर ठंडी होती है तो वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है. जब मैंने बताया था जब वो गर्म होती है तो क्या होता है, ऊपर उठती है, ठंडी हो रही है तो वो नीचे आने लगती है, हैवी हो जाती है, उससे वो नीचे आती है. और क्योंकि सर्दी है तो जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ में वो भी ठंडा हो रखा है, तो जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्रास के ऊपर, लीव्स के ऊपर, फ्लावर के ऊपर आके टकराती है, उनसे उसके कांटेक्ट में आती है तो वो ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में चेंज हो जाती है और इस तरीके से बनती है ओस की बूंद जिसको हम कहते हैं ड्यू. फ्रॉस्ट. When the object lying on the land become too much cold and water vapor present in the air contacting them change into frost. अब कई बार आपने देखा होगा कि सर्दियों में चीजों के ऊपर बर्फ सी जम जाती है. ड्यू तो क्या थी, बूंद के रूप में थी, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बर्फ जम जाती है, ये कहलाती है फ्रोस्ट. और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो लैंड के ऊपर ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं और जो वाटर वेपर जो है जब उस ठंडे से आकर टकराती है वो भी ठंडी है, लेकिन उससे ज्यादा ठंडे जो दूसरे ऑब्जेक्ट लैंड में पड़े हैं वो है. जब वाटर वेपर उससे आके जाके कॉन्टेक्ट में आती है तो बिल्कुल ठंडी होकर फ्रोस्ट के रूप में उसी के ऊपर जम जाती है. Winter night are too much cold. When the temperature on land fall below 0 degree, the dew droplet change into ice. This ice frozen on the object is called frost. अब ये क्या है, जमी हुई बर्फ ही तो है फ्रोस्ट. जब क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत ठंडे, और ऐसा कब होता है, जब टेम्परेचर 0 degree centigrade से नीचे आ जाता है, माइनस में जाने लगता है, तब क्या होता है चीजों के ऊपर जो आइस जम जाती है उसको हम कहते हैं फ्रोस्ट. Mist. In winter season, the water vapor present in the air condense on the smoke and dust particle in a form of small water droplet. This droplet hanging in the water make the smoke-like layer in the atmosphere. This is called smoky layer is called mist. अब कभी-कभी क्या होता है? Water vapors जो हैं सर्दियों के time में heavy तो हैं, वो जाके जो smoke है, dust है, उन particle के साथ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना, उनके साथ इकट्ठी हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो लटकी हुई ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंदें जो है उनमें है, तो इसको हम कहते हैं मिस्ट. द मिस्ट बिकमिंग डाउन लैंड सरफेस बिकमिंग फॉग. अब जब मिस्ट जो होती है थोड़ा ऊंची होती है तो हम जब वो चीज मतलब ड्रॉपलेट जो है वो डस्ट पार्टिकल के साथ थोड़े हाइट पे टंगी भी होती है तो वो हमें उसको कहते हैं मिस्ट, ठीक है. ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या हो रहा है, धुंधला सा छाया हुआ है, बादल से छाए हुए हैं, उसके ऊपर क्या है छोटी छोटी बूंदे दिख रही हैं, बहुत छोटी बूंदे होती है. लेकिन जब वो अर्थ सरफेस में आ जाती है, नीचे उतर आती है तो उसको हम कहते हैं फोग, कोहरा कहते हैं. फोग द मिस्ट कमिंग डाउन to land surface become fog. Fog is seen in the morning. In winter season, the mist and fog are very dangerous for the vehicles.
the road become invisible and accident occur more frequently. और ऐसा होता है जब क्या होता है फोग होता है तो उस समय बहुत दिखाई नहीं पड़ता, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये व्हीकल्स जो चलते गाड़ियां चलते हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है कि कुछ भी चीज नहीं दिखाई पड़ रही, सब चीज इनविजिबल हो गया है और एक्सीडेंट बहुत ज्यादा ऐसे में होते हैं। देखा ना आपने फोग, कई बार सुबह सुबह सर्दियों में मॉर्निंग में सुबह सुबह क्या होता है फोग रहती है चारों तरफ, और हम इसको स्मोक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है धुआं भी रहता है, जहां पर फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा है वहां धुएं के साथ फोग ऐड हो जाती है तो उसको हम स्मोक भी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्लाउड। ऑल ऑफ अस हैव सीन क्लाउड इन द स्काई, द वॉटर सी लेक्स एंड रिवर गोज ऑन वेपराइजिंग कॉन्टिन्यूसली ऑल द टाइम, बींग लाइट इन वेट द वॉटर वेपर गो अपवर्ड, द एटमोस्फेयर कंटेन द स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्मोक एंड डस्ट, ऑन कमिंग इन देयर कॉन्टेक्ट द वॉटर वेपर्स कंडेंस ऑन देम, दस द स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड एंड कमिंग टूगेदर दे मेक अ फॉर्म ऑफ क्लाउड। अब वॉटर वेपर्स हमने पढ़ा था बहुत हल्की होती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके कंडेंस होती है और वहां पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है। ये छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट इकट्ठी हो गई है इनको हम कहते हैं क्लाउड्स। रेन, द क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वॉटर वेपर्स, व्हेन दे बिकम कोल्ड द वॉटर ड्रॉपलेट मेड बाय देम बिकम एनलार्ज एंड हैवी, द हैवी वॉटर ड्रॉप बीइंग अनेबल टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर एंड फॉल डाउन ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब क्लाउड्स हैं उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट हैं, जब ये क्या हो जाती है हैवी हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है तो ये हैवी हो गई, भारी हो गई, अब ये लटकी नहीं रह सकती है तो ये रेन के रूप में वापस लैंड में पानी के रूप बारिश के रूप में गिरने लगती है। स्लिप, व्हेन द रेनिंग वाटर ड्रॉपलेट पास थ्रू सम टू मच कोल्ड लेयर ऑफ एयर दे फ्रीज इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर क्रिस्टल ऑफ आइस, दिस क्रिस्टल फॉल ऑन द अर्थ कॉल्ड स्लिप। अब जब क्या होता है ये छोटे छोटे, अब बारिश आ रही है ऊपर से और ये किसी कहां जहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां किसी कोल्ड चीज से कोल्ड एयर लेयर से एयर की टकराती है ये रेन, तो ये किस में चेंज हो जाती है स्लिट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है छोटी छोटी कह सकते हो आप पोलों में चेंज होने लगती है। When the slit is blown up into the cold clouds and air again and again by the wind, the irregular ice crystal join together and become large, round in shape. When this ice ball fall on the ground, we call them hailstone. अब जो बहुत छोटे छोटे थे वो क्या आइस की जो बारिश की बूंदे थी छोटी छोटी थी वो आइस में चेंज हो गई थी वो गिरती है तो उसको बोलते हैं हम स्लिट, और जब वो बहुत सारी बूंदे एक साथ इकट्ठी होके बड़ी बन जाती है और तब वो नीचे गिरती है तो वो कहलाती है हेल स्टोन स्टोन, ठीक है हेल स्टोन मतलब ओले। नेक्स्ट इज स्नो, समटाइम हाई हिल रीजन सम लेयर ऑफ एटमोस्फियर बिकम सो कोल्ड दैट वाटर वेपराइज वेपर्स प्रेजेंट इन देम इन स्पाइक्स ऑफ चेंजिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल, this ice crystal very small in size join together and fall on the ground in a form of bunch we call it snowfall। और कभी कभी क्या होता है जैसे ज्यादातर हिली रीजन में जब ये बारिश ऊपर से गिर रही होती है तो क्या होता है ये कैसी है बहुत वेपर जो है बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, जो वाटर वेपर्स है वो क्या हो रही है बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है और अब वो वाटर ड्रॉपलेट में ना चेंज होके क्या सीधे पानी नहीं बनी सीधे क्या बन गई आइस बन गई है, इतना ठंडा है कि वो आइस में चेंज हो गई है। अब ये छोटे छोटे जो आइस की बहुत छोटी छोटी आइस की जो बूंदे जब ये गिरने लगती है तो ये कहलाती है स्नोफॉल। तो डज इट इज क्लियर दैट वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन आर टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द वेदर ऑफ ए प्लेस। अब ये हमें पता चल गया कि जो क्या है कंडेंसेशन और इवोपरेशन जो है वो भी मेन टू फैक्टर है जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।